इंटरप्रोर कौन होता है और इंटरप्रोरशिप क्या होती है हमारे मुल्क में 80 परसेंट इंटरप्रोर जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने इंटरप्रोरशिप पढ़ी नहीं है रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे न्यूट्रिशन की तो जॉब्स ही नहीं है अवेयरनेस दे के अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करो कौन नहीं चाहेगा कि अवेयरनेस सेशन हो किसी को इलम हो जाए कि दिल की बीमारी है तो दिल की बीमारी की वजह क्या बन रही है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होप यू ऑल आर विद गुड हेल्थ और काफ़ी लोग ऐसे हैं दोस्त हु आर वेल नोन और आज का जो टॉपिक है इट विल गोना सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन डोमेन से ही हैं और न्यूट्रिशन uh, डोमेन में होते हुए दिस इज़ अ टॉपिक जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो लोग मुझे नहीं जानते मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन म्यू हॉस्पिटल एज वेल एज इन हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स उसके अलावा कॉर्पोरेट हेल्थ सेक्टर में हेल्थ वेलनेस सेशंस उसके अलावा मीडिया में काफ़ी लोग मुझे मीडिया की वजह से ही जानते हैं डिफरेंट हेल्थ शोज डिफरेंट चैनल्स जो हैं कॉरपोरेट सेक्टर में हम लोग मीडिया में जो है वो काम करते रहते हैं अच्छा सबसे पहले टू स्टार्ट माय सेशन द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट यहाँ न्यूट्रिशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम हम लोग जो हैं वो तो गलत डोमेन में आ गए हैं हम तो ऐसे डिपार्टमेंट में आ गए हैं जी जो बहुत सेचूरेटेड है जिस पे जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही है उसके अलावा बिल्कुल मार्केट में जॉब्स नहीं है और अवेयरनेस नहीं है लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट का पता नहीं है और बिल्कुल जो है वो हमारी डोमेन जो है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन नाइन्थ एट सेमेस्टर में आगे कर रहे होते हैं मैम हमें लगता है कि हम लोगों ने जो है वो गलत फील जो है वो चूज़ कर ली है आज आज का जो दौर है या कोई कल का दौर है कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें आप आते हैं ठीक है उसके अलावा हम लोग जो है वो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं जी कसूर गवर्नमेंट के है गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रही है कसूर जो है वो फलाने को तो जॉब मिल गई वहाँ पे लेकिन जो है वो अब हमारी बात जो है वो बहुत सेचुरेशन हो गई अब ऐसा टाइम है कि मुल्क इकोनमी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कोई नई पॉलिसीज़ नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल जॉब्स जो है वो है ही नहीं देखिए का डिपार्टमेंट कोई भी हो ठीक है जब तक आप आप खुद देखें कि वट यू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर ओन डोमेन जब तक हम सोचते हैं कि मैं जॉबलेस हूँ मेरे पास जॉब नहीं है आप देखें जो जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आई हैड अ गुड लाइफ स्टाइल मेरी एक आइडेंटिटी भी हो एक अच्छा जो है वो ऑब्वियसली मेरा नाम भी हो एक जॉब भी तो वट यू आर डूइंग फॉर दैट थिंग क्या आप इस काबिल हैं कि आप जो है वो अपनी जो आपकी प्योरिटीज़ हैं या जो आपके गोल्स हैं आपने उस विजन के मुताबिक अपने आप पे काम किया है या आपके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उस सीट को डिज़र्व करती हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ओके तो आज जो है वो न्यूट्रिशन एंटरप्रियोरशिप के हवाले से आज से दो साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह जो है वो एज अ स्टूडेंट एज बहुत सारे जो है वो गेस्ट होते थे जिनको हम सुनने आते थे ठीक है लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो यू आर द वन जो उस जगह से इस जगह पे आने पे कोई वक्त नहीं लगता है सिर्फ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि टू नो यू टू नो योर करेज आपको अपने पोटेंशियल का पता हो आप जो है वो आपकी गट्स और अब अब मैं एक एग्जांपल हमेशा देती होती हूँ कि एक हमारे पास जो है वो डायमंड होता है तो डायमंड जब होता है वो ऐसे ही डायमंड नहीं बन जाता पहले ऑब्वियसली वो एक सादा एक स्टोन की तरह होता है लेकिन जब वो तराशते हैं उसको तराशते हैं जब वो ऑब्वियसली इस काबिल बन जाता है और वो चमकने लग जाता है सो एवरी वन वांट्स दैट डायमंड कि जो चीज़ चमक रही होती है फिर हर कोई चाहता है हर डिपार्टमेंट में आपकी वैल्यू होती है और जो है वो इस तरह करके आपकी जो है वो डिमांड वैल्यू मार्केट में जो है वो बढ़ती जाती है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि न्यूट्रिशन uh, इंटरप्रियोरशिप होता क्या है फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रियोर कौन होता है और इंटरप्रियोरशिप क्या होती है हम सब इस चीज़ को तो बहुत कह रहे होते हैं कि यार जॉब नहीं है जॉब नहीं है तो अगर जॉब नहीं है क्यों हम वो नहीं बन सकते कि जो जॉब्स दें और लोगों के लिए जॉब्स डेवलप करें और एक आइडेंटिटी के साथ और जो है वो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दें जिससे हजारों लोगों को जॉब्स मिल भी जाएंगी और आप खुद जो है वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो मालिक बन जाएंगे तो न्यूट्रिशन एंटरप्रशिप होता है कि आप किसी भी अपने एक आइडिया अ वेरी इनोवेटिव आइडिया उसके साथ आप मार्केट में आएँ और जो है वो अपनी इनोवेशन आइडिया लेके उसको जो है वो एक नाम दे दें और कल को जो है वो आपका एक बिज़नेस डेवलप हो जाए मज़ीद वो ग्रो करता जाए तो वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाए तो आप जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने और जो है वो आपका एक अपना नाम हो एक आपकी अपनी जो है वो आइडेंटिटी हो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं न्यूट्रिशन में तो बिज़नेस डेवलप करना बहुत मुश्किल है और इसमें जो है वो बिज़नेस हो नहीं सकता बिज़नेस करने के लिए हमें एम का स्टूडेंट होना चाहिए बिज़नेस करने के लिए हमें बिज़नेस का पता होना चाहिए बिज़नेस पढ़ना चाहिए लेकिन हमारे मुल्क में 80 परसेंट एंटरप्र जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने एंटरप्रियोरशिप पढ़ी नहीं है लेकिन वो अपनी डोमेन में इतने गट्स रखते हैं कि उन्होंने उसको जो है वो एक एंटरप्रेरशिप जो है वो बिजनेस जो है वो डेवलप कर दिया है तो अगर न्यूट्रिशन एंटरप्रियोरशिप के हवाले से बात की जाए तो अपनी डोमेन में रहते हुए देयर आर हंड्रेड आइडियाज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ठीक है मैं कहती हूँ हमारी डोमेन से ज़्यादा डाइवर्सिटी तो किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं कि दिस इज़ अ डिपार्टमेंट जिसमें जो है वो आप क्लिनिकल साइड पे जा सकते हैं जिसमें जो है वो आप मीडिया साइड पे जा सकते हैं जिसमें आप न्यूट्रासूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं जिसमें अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक छोटी सी प्रोडक्ट बना के सिंपल एक फ्लोर है हमारे पास आटा है ठीक है आटा हर इंसान ने खाना ही है ठीक है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फूड हमारी स्टेपल फूड है उस वीट को कोई अगर फोर्टिफाई कर दिया जाए आप उसके अंदर बी सिक्स बी नाइन बी ट्वेल्व आज कल डायबेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेज या उसको ग्लूटन फ्री कर देते हो हमारे पास ऑस्ट्रियोपोरेसिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर सीड जो हैं वो आप जो है उसको उसका एक्स्ट्रैक्ट जो है वो ऐड कर देते हैं तो आप उधर से ही अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बा आसानी जो है वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन देर आर मल्टीपल लो पीपल्स के जिन्होंने जो है वो छोटे छोटे जो है वो बिज़नेसे स्टार्ट किए और उनसे आज माशाल्लाह वो वेल well नाउन उनके बिज़नेस भी हैं और उसके साथ साथ लेकिन आज का जो सेशन है मैं आपको किसी के बिज़नेस की एग्जांपल्स नहीं दूंगी कि फ़लाने ने ये बिज़नेस किया मेरा सीनियर था उसने ये कर लिया वो मेरे जानने वाली थी उसको तो न्यूट्रिशन में उस टाइम सीट्स निकली तो उसने सिफारिश पे सीट ले ली आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ़ माई ऑन सेल्फ कि मैं जो हूँ आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट थी दो साल पहले और दो साल पहले मैं से कैसे मैं इंटरप्र बनी और किस तरह जो है अपनी डोमेन के अंदर आके मैंने काम किया I just remembered the time I was in एट्थ semester जिधर जो है वो एच ई सी का आ गया जो प्रॉब्लम कि जो डी डी एन एस है ना जी ये बी डी एन एस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो डी डी एन एस वाले बच्चे हैं ना न्यूट्रिशन वाले ये अब बी डी एन एस बैचलर्स जो है वो अब बहुत सारे हम लोग तो परेशान हुए कि जी अब क्या होगा हमारा तो अब कोई स्कोप नहीं रहेगा जब हम मार्केट में आएंगे तो हम किस नाम से जाने जाएंगे क्या आप डॉक्टर थे या बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग 2017 तक रजिस्टर हैं वो लोग डी डी एन एस ही उनका कंसीडर होगा डॉक्टरेट डिग्री लेकिन दिस इज अ टाइम व्हेन आई रिमेंबर माई सेल्फ के इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बी कर रहे हो या डी कर रहे हो द थिंग विच मैटर्स इज दैट व्हाट यू आर डूइंग ठीक है अपनी डोमेन में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं या आपका अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है सीनियर से वो कहते जी आप मार्केट में निकलोगे कोई जॉब्स नहीं है जब तक इकोनमी तो गलत कर रहे हो पाकिस्तान से निकल जाओ बाहर चले जाओ इधर चले जाओ उधर चले जाओ इसके बाद स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो कर लो तो मज़ीद आप लोग जो है वो बेहतर हो जाओगे और एट लीस्ट कमाने के काबिल हो जाओगे बट दिस इज़ अ टाइम वेन अलहमदिल्लाद आई हैव नो टाइम कि वक्त नहीं होता लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कह रहे होते हैं जी हमें भी आप हमारे साथ अटैच हो लेकिन वक्त नहीं होता तो आप आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफर है ये कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह जो है वो सबसे पहले बींग एंटरप्रेन्योर uh, जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर विजन शुड बी स्ट्रॉन्ग ठीक है आपकी विजन और आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए थोड़े गुर्दे और जिगरे वाला बनना चाहिए रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे रिस्क के बगैर मुमकिन नहीं जब तक आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे और कहेंगे न्यूट्रिशन की तो जॉब्स ही नहीं हैं तो वाकई जो लोग बिस्तर पे लेटे हैं घरों से नहीं निकल रहे अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे तो इसमें कोई शक नहीं वाकई उन लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इफ़ यू अगर आप लोग एक एंटरप्र बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि योर फर्स्ट स्टेप और मज़ेदार बात यह है कि आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉग हो चुका है कि अब आप घर बैठे भी इनिशिएटिव्स ले सकते हो घर बैठे भी इनिशिएटिव्स ले सकते हो घर बैठे जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने जो है वो अपना इंटरप्रियोर का सफ़र ऐसे स्टार्ट किया कि जी कोविड का टाइम आ गया कुछ करने को नहीं था ग्रेजुएशन जो है वो अभी कंप्लीट uh, हुई थीसिस जो है वो उसी टाइम में निकल गया तो अब कोई अब क्लिनिकल साइड जो है वो वैसे ही ब्लॉक हो चुकी हुई थी उधर अब नए ग्रेजुएट्स को जो है वो हायर नहीं कर रहे थे तो आई स्टार्ट विद अ सिंपल फोरम एक तब जैसे छोटे छोटे -चो, आजकल भी ओला डॉक मरहम डिफरेंट मिस्टर डॉक टेक जो है वो डिफरेंट इनोवेशन जो है मेडिकल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा तो इसी तरह एक छोटा सा फोरम था अपना डॉक्टर ठीक है वो लॉन्च हुआ तो उसके साथ आई स्टार्ट दैट कि मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ बनाना शुरू की ठीक है सबसे पहले द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब तक वरदा सिकंदर को कोई जानेगा नहीं किसी को पता ही नहीं होगा कि वरदा सिकंदर है कौन तो मुझे कोई क्यों बुलाएगा, या मुझे कोई क्यों अप्रोच करेगा या मुझे कोई अपने जो है वेल डेवलप्ड फॉरम पे क्यों बिठाना चाहेगा तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप जो है वो इनिशिएटिव लो ठीक है इनिशिएटिव आप जो है वो सिंपल अपनी शॉर्ट वीडियोस बना के आपकी पहचान ज़रूरी है ठीक है आप ऐसी पीआर जगहों पे जाते हो जिधर ऑब्वियसली आपकी ज़ाती पीआर बनती है या आप घर बैठे सोशल मीडिया जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आपका बढ़ा देता है आपकी जो है वो फॉलोइंग रेशो आपकी नोन रेशो बहुत जल्दी बढ़ जाती है तो उधर से आप स्मॉल जो है वो पर जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा काम क्या है हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं हम लोग इसी पे काम करते रहेंगे कि जी हमारा काम सिर्फ लोगों का वज़न कम कराना है लेकिन जबकि एक्चुअली आप लोग अगर इस चीज़ को रियलाइज़ कर लो कि दुनिया की हर बीमारी दुनिया की हर बीमारी का अगर रूट कॉज देखा जाए तो वो न्यूट्रिशन है अगर मैं बात करूँ किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ का रूट कॉज उसकी कार्ब्स जो है वो ठीक नहीं होंगी अगर किसी इंसान को यूरिक एसिड का मसला हो जाता है तो उसका एनिमल प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा वो लेता होगा उसके बाद जो है वो अगर किसी इंसान जो है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो गई है उसके प्रोटीन्स ठीक नहीं होंगे ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो नमक की ज़्यादा होगी उसके अलावा अगर जो है वो किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी जो फैट है आप एक्सेस अमाउंट ऑफ बैड फैट ले रहे हैं तो हर बीमारी का अगर रूट कॉज पर बात की जाए तो वो किसी ना किसी न्यूट्रियट की कमी है ठीक है तो इधर से आपको अपनी इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ करनी चाहिए कि क्लिनिकल साइड पे अगर कोई एम बी बी एस है या कोई फिज कोई भी है हर कोई अपनी डोमेन का माहिर होता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप अपनी डोमेन के माहिर बने तो आप जो है वो अगर क्लिनिकल साइड पे ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हो और कहते हो कि हर प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आप अपना फर्स्ट बिजनेस तो इधर से ही जनरेट कर सकते हो कि आज कल वी आर मूविंग इन अ मॉडर्न एरा जिधर डेफिशेंसीज लोड बहुत ज़्यादा है क्रॉनिक डिजीजेस प्रेवलेंस बर्डन जो है वो अब 58.7 तक बढ़ चुका है और इस सब के जो जैसा अब ये एरा चार है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इन प्रॉब्लम्स का कोई क्विक सोलूशन आना चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर डाइट प्लानिंग पे फोकस करते हैं प्रॉपर मेडिकेशंस लेना चाहते हैं प्रॉपर जो है वो इलाज लेकिन अगर आप आज की मार्केट को रीड करो तो आज की मार्केट के मुताबिक आपको पता है लोग जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं लोगों के पास वक्त नहीं है कि जी अब आप डाइटिशन हैं और आपको 45 डेज़ का प्लान दे दिया है तो आप 45 डेज जो है कंसिस्टेंसी ख़त्म होती जा रही है अब आप जो है वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं मैं अपने मिसाल ले लूं तो मुझे उधर दोपहर को वो वाली चीज़ खा लूं जो फटाफट क्विकली खाई जाए टाइम भी बच जाए पेट भी भर जाए तो इसी तरह जो है वो तो आप अपना फ़र्स्ट जो बिज़नेस है वो इधर से ही जो है वो डेवलप कर सकते हैं और अपनी जो है वो प्रोडक्ट मेकिंग जो है ये एक बहुत बेहतरीन जो है वो बिज़नेस है हमारे पास जो आप कर सकते हैं अच्छा अब सब कहते हैं कि प्रोडक्ट मेकिंग जो है ये तो सिर्फ क्लिनिकल साइड पे काम कर सकती है ना पर देखें वर्क प्लेस जितनी वर्क प्लेस हैं फ़ॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कासिम अली शाह फाउंडेशन ये एक वर्क प्लेस है इधर तकरीबन जो है वो 50 के करीब लोग काम कर रहे हैं फ़ॉर एग्जांपल तो उन पचास में से आई एम डैम शोर दैट कि जिसमें से फोटी परसेंट तो लोग होंगे जो सिख होंगे या फिर जिन्हें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होगा या कोई वो चीज़ तो इस तरह हर वर्क प्लेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें कोई ना कोई डेफिशेंसी होती है कोई ना कोई ज़रूरत होती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अवेयरनेस दे के अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करो तो जो है वो ऑटोमेटिकली तो आप अपने प्रोडक्ट्स बना के क्लिनिकल साइट पे दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत मैल नरिश हैं बहुत सारा गंदला खाते हैं तो आप कोई अपनी प्रोडक्ट कोई हेल्दी लंच बॉक्स जो है वो बना के किसी स्कूल लेवल पे अप्रोच कर सकते हो कॉलेज लेवल पे अप्रोच उसके बाद द मेजर इशू वर्क प्लेसेज ऐसी हैं कि जिधर लोगों के पास वक्त नहीं दे हैव मनी दे वांट टू स्पेंड और वो डेली दोपहर को जो है वो किसी जंक फूड पे किसी ऐसी जगह पे स्पेंड करते हैं लेकिन क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना तो आप जो है वो हेल्दी मील प्लान जो आप उनको अवेयरनेस दे के स्टार्ट करो ना जैसे कॉर्पोरेट हेल्थ सेक्टर्स हैं हमारे पास जितनी कंपनीज हैं आप उधर जाके सेशन दो उधर अवेयरनेस दो कि अब आप ये वर्क प्लेस वर्क प्लेस इज अ प्लेस जिधर सबसे ज्यादा आपकी सेहत बेहतर होती है और सबसे ज़्यादा आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उसकी मेजर वजह यही है कि वर्क प्लेस पर खुराक नहीं ठीक होती वर्क प्लेस पर आपको स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है वर्क प्लेस पर आपकी एनर्जीज भी लग रही होती हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी हेल्दी डाइट है ना तो आप जो है वो उस लेवल पर जो है वो कुछ स्टार्ट कर सकते हो उसके अलावा जो है हमारे पास जिम्स वर्कआउट प्लेसेस जितनी हैं उधर आप कोई अपनी जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट जो मसल मैस गेन करने में हेल्प करती है फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती है इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो उसके अलावा आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैम हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किधर से स्टार्ट किया जाए ना इतनी इन्वेस्टमेंट है कि जिधर से स्टार्ट किया जाए और हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं और कल को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चलती ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे हम तो जीरो हो जाएंगे आपने कोई भी चीज जिंदगी में करनी है आप जॉब पे जा रहे हो तो पता नहीं जॉब लग जाए किसी क्लिनिकल सेटअप पे वहाँ पे पेशेंट्स आए आए ना आए। ठीक है तो हर जो जगह है हर जो चीज है उसमें रिस्क इज इंपॉर्टेंट रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे ठीक है अगर उस रिस्क में कई बार लॉस भी हो जाता है कई बार इमोशनल लॉस भी हो जाता है कई बार फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है लेकिन आप उस एक्सपीरियंस से सीख जाते हो और आपको पता लग जाता है कि मैं चीज़ें जो है वो किस तरह बेहतर कर सकता हूँ तो आप जो है वो क्या करें कि इनिशियल लेवल पे आप अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग इस तरह कर सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी ने यूनिवर्सिटी लेवल पे ही क्या किया कि मोरिंगा पाउडर के कैप्सूल लॉन्च कर दिए कि आजकल यंग लड़कियों में देखा जाता है यूनिवर्सिटी की बड़ी ज़्यादा न्यूट्रिय डिफिशेंट हैं तो आप उस लेवल पे अपनी प्रोडक्ट आप लोगों को समझाओ आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करो और और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इन अ प्रॉपर वे ही लॉन्च करो एक लॉन्चिंग सम होनी चाहिए जी फिर मैं बड़े बड़े लोगों को बुलाऊं और देखें जो इंसान सत्रह साल की एजुकेशन हासिल कर लेता है जैसे आप नाइन्टी परसेंट आप लोगों में यू गाइस आर प्रोफेशनल ठीक है आप लोग डीडीएनएस कर रहे हो तो 16, 17 ईयर्स की एजुकेशन आई थिंक इट्स इनफ के आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें या आप अपना एक वेल well रिप्रेजेंटेड नाम जो है वो बना सकें तो आप जो है वो इनिशियल लेवल पे अपने जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ उस मार्केट को रीड करते हुए ठीक है जैसे आपने स्कूल लेवल पे कोई चीज़ लॉन्च करनी है या आप स्कूल तो आप देखें कि बच्चे आजकल चॉकलेट्स बहुत खाते हैं ठीक है तो बच्चे अगर चॉकलेट फ्लेवर में ही कोई हेल्दी बार आ जाए तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे और ब... कौन से ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो ऑब्वियसली उनको वो चॉकलेट देने के लिए भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो तो चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी खाएं तो वो क्या वो बार्स नहीं खरीदेंगे ंडरस्टुड अगर टेन आउट ऑफ एट तो खरीदेंगे कि हमारा बच्चा एटलीस्ट वो बुरी आदत से हेल्थी फूड जो है उसकी तरफ जा रहा है उसके बाद जो है वो सेकेंडली हमारे पास चीज़ ये आ जाती है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे दोपहर में जैसे कोई सैलेड या फ़ोर कोई एनर्जी बूस्टर हो इस तरह का बाकी स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ प्रोडक्ट की हमारी मार्केट में बहुत ज़रूरत है आप लोगों को जैसे मैंने ज़िक्र किया क्रॉनिक डिज़ीज़ का बर्डन फिफ़्टी हो चुका है तो उनमें उनको ठीक करने की भी बहुत ज़रूरत है तो मैंने जैसे आपको बताया कि कॉज जो है वो रूट कॉज किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आप वो जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है अगर उसको उनकी जो डेली रूटीन की मील है उसमें किसी चीज़ में ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्वियसली उनकी वो डेफिशिएंसीज भी पूरी होंगी और आप ख़ुद एक बिजनेस के मालिक एक एंटरप्रियोर जॉब्स लेने वाले नहीं जॉब्स देने वाले जो हैं वो आसानी बन जाएंगे अच्छा उसके बाद जो है वो बात की जाए कि स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कम है जी न्यूट्रिशन का स्कोप बिल्कुल नहीं है और डिग्री एमए चूज़ कर ली लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है हर डिपार्टमेंट में न्यूट्रिशन का स्कोप है ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें न्यूट्रिशन का स्कोप नहीं और जिधर न्यूट्रिशन की डिमांड नहीं Uh, मैं पिछले दिनों एक सेटअप पे गई वो एक इंटरनेशनल सेटअप है उन्होंने लॉन्च किया है उधर डिफरेंट जो है वो बीएमडी मशीन्स हैं कि जिधर जी लोगों की डेफिशिएंसीज पता लग सकती हैं हर लेवल की तो अब वो मुझे कह रहे कि मैम हमें ना कोई बंदा चाहिए और जो पे पैकेज है वो तकरीबन ढाई लाख है लेकिन हमें इधर से ना न्यूट्रिशनिस्ट कोई बेहतर मिल नहीं रहा तो आई एम सरप्राइज टू सी दैट इधर तो न्यूट्रिशन की दो सीटें आती हैं पच्चीस पच्चीस हज़ार एप्लीकेशन जो सबमिट हो जाती हैं और फिर मतलब हम लोग कह रहे होते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं हो वो कह रहे हमें इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये टू पॉइंट फाइव लाख है इसका पैकेज इस काबिल कोई बंदा नहीं मिल रहा है या इतना कैपेबल बंदा नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से हमने एक बाहर का न्यूट्रिशनिस्ट है वो हायर किया है और हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा तो कई बार जॉब्स होती हैं लेकिन हम लोग सोचते तो हैं कि हमें 2.5 लाख तक की जॉब मिल जाए लेकिन हम लोग अपने आप को इतना पॉलिश करते हैं कि इधर फॉर एग्जांपल मैं किसी से कूँ कि अभी मैं जनरल पूछ लेती हूँ कि जी यूरिक एसिड है इस, इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या इसके लिए फॉरन क्या किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्या देना चाहिए तो अगर आपको यह भी नहीं पता और आपको अपनी डोमेन पर ग्रिप नहीं है तो देन वाई यू आर कंप्लेनिंग टू अ सोसाइटी वाई यू आर कंप्लेनिंग टू योर डिग्री वाई यू आर कंप्लेनिंग टू एनी ठीक है उसके अलावा बेहतरीन हाल जो है वो मैंने आपको बताया इंटरप्रेरशिप का है आजकल की मार्केट देखी जाए तो उसमें इंटरप्रोरशिप जो है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी बन चुकी है तो अगर मुल्क की एम्प्लॉयमेंट में मसला हो पॉलिसीज ना आ रही हो फिर भी आप अपने इनिशियल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट का इनिशिएट अपने सर्कल में लें क्या आपके फैमिली में या आपके सर्कल में या फॉर एग्जांपल आपका सिंपल एक स्टेटस पोस्ट करते हो तो उसमें क्या पंद्रह से बीस परसेंट ऐसे नहीं लोग होंगे जो डायबिटिक हैं पंद्रह से बीस परसेंट लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्हें दिल के मसले हैं तो एटलीस्ट वो 15 से 20 परसेंट तो अप्रोच करेंगे ना आपकी प्रोडक्ट को उसके बाद जब वो 15 से 20 परसेंट लोग आपकी प्रोडक्ट को अप्रोच करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर उन 15 को फ़र्क पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट वाकई ही इस काबिल होगी तो वो और 15 को बताएंगे उसके बाद इनिशियल लेवल्स पे आप पी शिप करें और आप उस प्रोडक्ट को किधर का किधर जो है वो लेके जा सकते हैं और आप एक इंटरप्रियोर और अपने बिजनेस के बेहतरीन मालिक बन सकते हैं उसके अलावा अगर बात की जाए फूड सर्विस जो है उसका बहुत ज़्यादा दौर है कि आप जो मील सर्विसेज़ होती हैं जैसे मैंने पहले बात की वर्क प्लेस पे उ, उस चीज़ को जो है वो आप इनिशिएट ले सकते हैं उसके अलावा जो है वो फ़ूड मेडिसन फंक्शनल फूड मेडिसन जो है ये एक बहुत कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है दिल का मसला है तो कोई ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जो खून को पतला करे फ्लैक्स सीड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं एज अ एंटी इन्फ्लेमेट्री हमारी हड्डियों को बेहतर करने में तो उस फंक्शनल फशनल मेडिसन जो हैं उनकी तरफ आएँ फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनाएँ जो प्रॉब्लम मार्केट में ज़्यादा है जैसे आजकल कल हर दूसरी लड़की आके कंप्लेन करी होती है पीसीएस का मसला है ठीक है तो आप डाइट प्लान तो सारे डाइटिशियंस दे रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कर लें कि जो डिफरेंट भी हो आपके पास लोग भी आएँ तो आप वाई डू नॉट के आप कोई प्रोडक्ट जो है उसके हवाले से वो लॉन्च करें उसके बाद जो है वो बात की जाए कम्युनिटी लेवल जो है उस पर न्यूट्रिशन एंटरप्रियोरशिप का बहुत रोल है क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे जो है वो आप आराम से जो है वो डेवलप कर सकते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी और आपको एक बड़ी कम्युनिटी टारगेट करना बिज़नेस के लिहाज से बहुत आसान होती है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्कूल किड्स हैं उनमें जो है वो कैल्शियम वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी है आप कोई प्रोडक्ट बनाएं तो वो पूरा स्कूल है ठीक है उस स्कूल में आप स्टैंडर्डाइज भी कर देते हैं नाइन्थ एट्थ टेंथ क्लास जो है इस ये वाले बच्चे के उम्र के ऐसे बच्चे होते हैं जिन पे बोर्ड के एग्ज़ाम्स का बहुत प्रेशर होता है और आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इस हवाले से ये प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए तो कम्युनिटी टारगेट इस हवाले से कर सकते हैं उसके अलावा जो हमारे वर्क प्लेसिस हैं आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं जिम कम्यूनिटीज़ हैं आप फिटनेस कम्यूनिटीज़ बन चुकी हुई हैं जैसे यू है मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं जो पूरी पूरी कम्यूनिटीज़ बन चुकी हुई हैं और उन आप कोई भी ऐसे कम्यू उठा के उसे टारगेट कर सकते हो एक छोटी सी गैदरिंग होती है आप एक छोटा सा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो एक प्रोडक्ट बनाओ उस पर रिसर्च करो उसको तीन चार लोगों को दिखाओ अपने सीनियर्स को दिखा लो अपने टीचर्स को दिखा दो उस बीमारी के पेशेंट को दे दो घर पे मतलब उसमें कुछ ऐसा तो नहीं डालेंगे ना आप लोग ऑब्वियसली केमिकली तो कोई इसमें चीज़ नहीं ना मेडिकेशन नहीं सप्लीमेंट की बात तो आप उससे फिर पूछो उससे फीडबैक लो कि क्या आपको फ़र्क है क्या आपको फ़र्क है एक दो बार हफ्ते रिव्यूज लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अगर अच्छे रिव्यूज आने लग जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को मार्केट लेवल पर और उसके अलावा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आज के दौर में जहाँ एंटरप्रियोरशिप जो है वो मोस्ट लीडिंग डिपार्टमेंट बन चुका है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कैरी होती हैं कि आप आइडिया लेके आएं आप बताएं कि रिसर्च करके आइडिया लेके आएं कि ये चीज़ इस तरह हेल्प करती है तो वी आर द इन्वेस्टर्स हम आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कराते हैं उसको मार्केट करते हैं उसके बाद वो ऑब्वियसली कुछ शेयर्स होते हैं कुछ आपको नहीं देना पड़ता है कुछ इस तरह तो आप जो है वो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं इस साइड पे आए अगर आप इस तरह आपकी क्लाइंटेज रेशो भी बढ़ती जाएगी आपका बिजनेस भी डेवलप होता जाएगा और जब बिजनेस डेवलपमेंट होता जाए तो उसको आप एक बेहतरीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कर सकते हैं फिर आप अगर वो वाले सीनियर हैं जो सोचते हैं कि जी मेरे तो जूनियर मार्केट में निकलने वालों के लिए जॉब्स नहीं है तो वाई डू नॉट यू क्रिएट द जॉब्स आप भी इंसान हैं जो जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं वो भी जो है वो इसी तरह होते हैं उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट मेकिंग के हवाले से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई और माशाल्लाह जो आज एक वेल नाउन नेम से जो है वो मार्केट में जानी जाती हैं और इन इन्होंने खुद बिज़नेस डेवलप की है जिसमें सबसे पहले ग्लूटेन फ्री कुकीज़ हैं ठीक है आपको पता है आजकल ग्लूटेन सिले के एलर्जी तो एक मसला है ही है उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वज़न भी कम करना साथ चाहते हैं डायबिटिक भी हैं उन सब के लिए ग्लूटेन नुकसान दिया है तो आप देखिए आप तीन डिजीजेस इस एक प्रोडक्ट पे टारगेट जो है वो कर सकते हैं तो आप जो है वो इस तरह की जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेयर नेल्स हर टाइम डिज़ीनेस वीकनेस रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें भी ये मसला देख रहे होते हैं और ये वाली चीज़ फील कर रहे होते हैं कि हर टाइम जो है वो बहुत स्लो है डिज़ीनेस है एनर्जी नहीं है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसलीजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो ये इन्होंने एक कोलेजन पाउडर है जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के उसके अंदर कोकोनट का एक्सट्रैक्ट डाल दिया है जिस तरह आप बाउंडी चॉकलेट्स खाते हैं और उसका बड़ा रिच फ्लेवर होता है तो इस तरह अगर इसके अंदर कोकोनट और कोको पाउडर आप ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा रिच फ्लेवर हो जाएगा और लोग इसको अप्रोच करेंगे बजाय कि एक चॉकलेट को जब आप रात को आपको क्रेविंग हो रही हो आप चॉकलेट खा रहे हो ना आप खा लेते हैं लेकिन इनसाइड आपको दुख हो रहा होता है यार इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है मीठा बहुत ज़्यादा मुझे रात को नहीं खाना चाहिए था ठीक है एक गिल्ट होता है तो आप गिल्ट फ्री प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लेके आएंगे तो 110 हंड्रेड परसेंट आज की ये ज़रूरत भी है और आप जो है वो इससे बेहतरीन बिजनेस जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं उसके अलावा आप मोरिंगा पाउडर का आजकल बहुत सुनते हैं जी मोरिंगा इस्तेमाल करें वजन कम होगा माइक्रोन्यूट्रेंट्स है मोरिंगा के अंदर ये है तो आप मोरिंगा को डिफरेंट फॉर्म में सेल करें ठीक है लोग आजकल वो मोरिंगा के पत्ते लेके उन्हें पीस तो वाई डू नॉट यू मेक टी बैग्स ठीक है जितने वर्क प्लेसेस के लोग हैं उनको आप मोरिंगा के टी बैग्स बना के दे लें कि आप जिस टाइम पानी पी लें उसके अंदर ये डाल लें तो आप जाके एक जनरल अवेयरनेस दें पर इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग घर बैठे ये चीज़ें हाँ इनिशियल लेवल पे कर सकते हो बाकी आपकी खुद की एफ़र्ट्स होती हैं खुद की एफ़र्ट्स ये होती हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज अप्रोच करो उन्हें विजिट करो अपने एरिया की देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव इन जोहर टाउन तो मैं जोहर टाउन वाला एरिया पकड़ लूँ उधर तो और कुछ नहीं तो 20 25 तो कंपनीज होंगी ना तो उधर जाके मैंने ऑफर करूं कि आपकी कंपनी के इतने एम्प्लॉय हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल 30 आपके एम्प्लॉयज हैं तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट है पहले बेशक आप एज अ गिफ्ट दे, दे दें उधर के ऑनर को कि आप ट्राई करें अगर आपको अच्छी लगती है तो ऑटोमेटिकली आप अपने एम्प्लॉयज उधर में एक छोटा सा सेशन इस हवाले से करना चाहती हूँ कौन नहीं चाहेगा कि अवेयरनेस सेशन हो किसी को इलम हो जाए कि दिल की बीमारी है तो दिल की बीमारी की वजह क्या बन रही है तो इस तरह जो है वो इनिशियल लेवल पर आप अवेयरनेस दे के अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बासानी लॉन्च कर सकते हैं उसके अलावा ये आजकल मार्केट में बहुत इन है स्लिम ड्रॉप्स हर दूसरा बंदा हर दूसरे ब्लॉगर जो है प्रमोट कर रहा है स्लिम ड्रॉप्स अब जी वेट लॉस की कोई टेंशन नहीं तो ये देखिए ये भी एक्सट्रैक्ट ही है दो तीन चीज़ों का उसको सिर्फ एक कूल cool बॉटल में बना दिया गया है उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पर कर दी गई है उसकी एक हाइप मचा दी गई है तो इसी तरह अगर आप भी कोई अपनी प्रोडक्ट बनाएँ उस पर रिसर्च करें काम करें तो ये प्रोडक्ट्स बनाने वाले भी इंसान हैं ये हाइप देने वाले भी इंसान हैं और आप लोग भी इंसान हैं वो भी आपकी तरह के न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने पाँच साल पढ़ा है और आप भी वही न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने पाँच साल पढ़ा है आप भी डिग्री होल्डर हैं वो भी डिग्री होल्डर हैं तो बस द थिंक विच इज़ दैट कि हम लोग कई बार जो है वो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन जो है उसको लूज कर देते हैं हम कहते हैं यार नहीं हो रहा ठीक है जब कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो दस बार ना भी होती है लेकिन वो दस ना के बाद जो ग्यारहवीं हाँ होने शुरू हो जाती है ना तो उसके बाद वो जो हाँ 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 होती है तो फिर आपको वो दस बार वाली ना और दस बा, बार वाली ना वाली मेहनत जो है वो भूल जाती है क्योंकि आपको हर वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए आपने ज़िंदगी में पढ़ा और मेहनत किया उसके बाद जो है वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन में ये कुछ मैंने एग्जांपल्स किसी की नहीं उठाई मैंने कहा कि मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट थी दो साल पहले तो मैं क्यों ना अपनी एग्जाम्पल्स जो है वो दूं कि आप लोग चीज़ें स्टार्ट करते हो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं और आप जो है वो उस लेवल पे चीज़ें स्टार्ट तो ये हम लोगों ने एक कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कराया जिसके अंदर जो है वो जितने स्कूल आ, स्कूल गोइंग किड्स थे उनमें वेल बींग प्रोग्राम था जिसमें छोटे बच्चों को अवेयरनेस दी कि अच्छा खाना क्यों ज़रूरी है अगर आप गंदी चीज़ें खाएंगे ये जंक वगैरह तो ये क्यों नुकसान है तो ये किया तो स्टार्ट खुद के लेवल पे था लेकिन ये कन्वर्ट हो गया गवर्नमेंट लेवल पे उन्हें ये आइडिया उधर के जो प्रिंसिपल हैं उधर के डीसीओ ने विज़िट किया इस समय उन्हें बहुत पसंद आया तो उन्होंने कहा कि तो इसी तरह होता है कि अगर आइडिया बहुत अच्छा हो आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते जाते हैं कहते हैं ना कि एक इन, मैं चला तो अकेला था लेकिन काफिला बन गया तो काफिले तब बनते हैं जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो आपके अंदर इतने गट्स हों कि आपके साथ चलने के लिए दस लोग तैयार हों तो उसके लिए आपको खुद को अपने अंदर इतने गट्स या मार्केट में इतनी इनोवेशन लेके आनी पड़ती है कि आज के दौर में काम करना मुश्किल नहीं आज के दौर में काम करना ज़्यादा आसान है क्योंकि आजकल मीडिया भी है कम्युनिटी सपोर्टर्स भी हैं ठीक है आज कल किसी को आप थोड़ा सा जाके कहते हो ना यार ये बिजनेस आइडिया है तो हम लोग थोड़ा सा इस पर काम करते हैं इसके बाद इतने पैसे आ जाने हैं 110% परसेंट लोग आप आप खुद भी इन्वॉल्व होते हो साथ तो आज के दौर में काम मुश्किल नहीं एडवर्टाइजमेंट आसान है टेक्नोलॉजी आ गया मॉडर्न एरा आ गया तो आज के दौर में ये कंप्लेन बनता ही नहीं बस चीज़ ये है कि आप मार्केट को रीड करके अपने अंदर इतने गट्स पैदा करके वो टारगेट जो चीज़ है जिस चीज की प्रॉब्लम है रूट कॉज है उस पर काम करो Uh, तो ये जो है वो कम्युनिटी प्रोग्राम था उसके अलावा जो है ये कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स हैं जो मैंने दिए मुख्तलिफ़ कंपनीज में कि दिस इज़ अ आइडिया कि आप जो है वो कॉरपोरेट लेवल पे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं आप अच्छा सा प्रपोज़ल तैयार करें और बताएं कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं जो है वो अवेयरनेस सेशंस जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन एट वर्क प्लेस ठीक है और अगर साथ आपकी कोई प्रोडक्ट भी बन जाती है तो आप उसमें डबल बिजनेस कर सकते हैं आप ऑब्वियसली अगर बड़ी कंपनी है दे विल पे यू टू व्हेन यू गिव सेशन और साथ उधर अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करो और बेहतरीन तो ये कुछ कॉरपोरेट सेशंस थे आई काफ़ी फेमस कंपनी है डी एच ग्रुप और डिफरेंट जो है वो कुछ मल्टी कंपनीज थी जिसमें तो अब तक जो है वो तकरीबन थर्टी कंपनीज को हम टारगेट कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं पर हर एक के एरिया में मुख्तु कंपनीज होती हैं आप सब जैसे मुख्तु सिटीज से हो तो अपने अपने सिटीज़ को अप्रोच करो अपने अपने सिटी की मार्केट को अप्रोच करो ठीक है तो आप जो है वो ये कॉरपोरेट वेलनेस जो है इस पर काम कर सकते हैं बाकी मीडिया इज़ अ वेरी गुड फील्ड ठीक है हमारे यहाँ बहुत समझा जाता है यार मीडिया में नहीं आना चाहिए मीडिया बड़ी बुरी चीज़ है ठीक है दिस इज़ अ मिथ ठीक है मीडिया इज़ अ देखिए मीडिया वो चीज़ है जो आप को आपकी पहचान दे रही है ठीक है आप एक्सपोज हो रहे हो आपका पता लग रहा है आप ये हो और आप ये कर तो मीडिया आपको बड़ा जल्द तो आप अगर इस लेवल पे कोई हेल्थ शोज वगैरह या इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं करना चाहते आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करो कि अपनी शॉर्ट वीडियोस बना लो इफ़ यू डोंट वांट टू रिवील योर फेस आप वैसे शॉर्ट वीडियोस बना लो ठीक है उसमें जो है वो थोड़ी सी एडिटिंग इस तरह की कर लो ठीक है पहले अपनी पहचान और अवेयरनेस होगी तब आप एक अच्छे एंटरप्रेर बन सकते हो और आपकी ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ये प्लस पॉइंट हो जाता है टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस तो आप जो है वो ये मीडिया में जो है वो जा सकते हैं इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपका वो कोई प्रोग्राम टीवी पे ही हो जैसे मैं तो अब टीवी पे लेकिन मुझे अब फील्ड में भी वक्त हो गया है जैसे इनिशियल बेस पे आपने स्टार्ट करना है तो आप लोग कोई सीरीज स्टार्ट कर लो डायबिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर कि अगर आपका इंटरेस्ट डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ पर काम करना चाहते हो ठीक है तो आप डायबिटीज़ की कोई प्रोडक्ट लाओ उसकी सीरीज़ बना लो डायबिटीज़ की दस एपिसोड्स बना लो पहली में डायबिटीज़ होता क्या है डायबिटीज़ में खुराक का क्या रोल है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है तीन किस्म की होती है फिर एक एक एपिसोड डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है नेफ्रोपैथी क्या होती है रेटिनोपैथी इंसुलिन का इस्तेमाल हमारे लिए किस तरह नुकसान दें इस पे ही आपकी 12-13 एपिसोड जो हैं वो बासानी बन सकती हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें कोई ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट इंगेज कर सकते हो तो एक बेहतरीन बिजनेस आप जो है वो इस तरह डेवलप कर सकते हो और अगर आप यूट्यूब पर ऑब्वियसली आपको पता है अगर आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाती है आपका Uh, वो हो जाता है प्रूफ पेज तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो तो आपको डबल बिजनेस है जो हो जाता है साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ तो है ही है उसके बाद जो है वो हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है कि जब आपकी अपनी मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप हेल्थ शोज़ पे जाती हैं कभी आप पी टी वी परी होती हैं कभी आप दुनिया न्यूज़ पे गई होती हैं तो आ, क्या आप कोई सिफारिश करती हैं या आपका कोई फैमिली में मीडिया में जानने वाला है जिसकी वजह से जो है वो आप कभी इस चैनल पे होती हैं कभी उस चैनल पे जी मैं फिर कहती हूँ मेरा कोई जानने वाला नहीं बस द थिंग इज़ दैट आपको लोग जानने आपको जब लोग जानेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको बुलाएंगे अब इतना फॉर एग्जाम्पल मिनाहिल बैठी है पतरस बैठी है कोमल बैठी है ठीक है मुझे पता है ये बच्चे मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते रहे ये जो है वो आई नो दैम ठीक है लेकिन आपको मार्केट में जब तक किसी को नहीं बताओगे भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ लोग तो आपको एक आम इंसान समझेंगे एक आम जैसे इन चाहे समझेंगे तो आम लड़की है ठीक है पतनी क्या करती है किसी को क्या पता ठीक है तो इसलिए दुनिया को बताने के लिए दुनिया को मनवाने के लिए आपकी अपनी ज़ाती आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है जब आपकी आइडेंटिटी होती है तब भी आप ऑब्वियसली दुनिया में माने जाते हो दुनिया में कहलाए जाते हो दुनिया में बुलाए जाते हो तो ये जो पहले जानने का सफ़र होता है यही सफ़र होता है जिधर से आप आज एज आ स्टूडेंट्स बैठे हो या आप सेशन अटेंड करने आए हुए हो लेकिन अगर आप अपने आप पे आज काम शुरू करो तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप एज आ गेस्ट स्पीकर जो है वो बुलाए जाओ और आ, मैंने भी अपनी जर्नी जो है वो ऐसे ही स्टार्ट की जैसे कि मैंने आपको बताया तो दीज़ आर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट आइडियाज़ आप जो है वो बस आपको मैंने जिस तरह बताया कि बिज़नेस इन अ डायमेंशन ठीक है कि आप पहले मार्केट रीड करें एक डायबिटीज़ है उस पर रिसर्च करना शुरू करो उस पर अवेयरनेस सेशन दो उसके बाद उसको मार्केट करो थर्डली आप जो है वो जो टारगेट एरिया जिधर डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा फॉल करती है कोई एज ग्रुप है कोई हॉस्पिटल है कोई क्लिनिकल सेटअप है या आपको पता है कि जिधर जी मीठा लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस जगह अपनी प्रोडक्ट की लॉन्च करो ठीक है आप एक थ्री डायमेंशन पॉलिसी जिस तरह मैंने आपको ये बताई है आप इस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी कहलाए जाओगे लेकिन उसके लिए थोड़ा दिल गुर्दा बढ़ा करके रिस्क लें तब भी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो रिस्क लेना इज़ इम्पॉर्टेंट जब इंसान रिस्क लेता है तब भी आपको काम करना आता है कोई भी पैदा हुआ बिजनेसमैन बना नहीं आता या आप कोई जब आप आ, एक कोटेशन है कि गरीब पैदा होना जो है वो इट्स नॉट बैड थिंग लेकिन गरीब मरना इज़ अ बैड थिंग इसी तरह कि आप अगर उस चीज़ को आप ही की तरह के इंसान होते हैं जो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फिर वो एक बहुत बड़े बड़े बिजनेस के मालिक बन जाते हैं तो इसके लिए बस कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो जैसे मैंने पहले भी बात की जाने जाओगे तो ही बुलाए जाओगे वरना नहीं और उसके बाद जो है ये हेल्थ शोज़ की मैंने बात की कि अगर आप इनिशियल लेवल पे अपनी खुद से जैसे यूट्यूबिंग है या फेसबुक इंस्टाग्राम लिंकड बहुत सारी सोशल प्रोफाइल्स हैं जब उस पर आपका एक नाम होता है तो ऑटोमेटिकली बड़े फोरम्स भी आपको अप्रोच करते हैं और आप बड़े फोरम्स पे भी बुलाए जाते हैं ठीक है तो आप फिर जो है वो ये डिफ़रेंट न्यूज़ चैनल्स हैं उधर जो है वो जा सकते हैं ठीक है, है? मुख्तु अवेयरनेस जो है वो दे सकते हैं उसके अलावा ये कुछ मैंने अपनी ही इमेज़स शेयर की अच्छा उसके बाद एकेडमिक लेवल बड़ा बेहतरीन एंटरप्रियोरशिप टारगेट बिज़नेस के हवाले से अब आप जैसे खुद यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना तो उनके लिए उसी जगह पे अपना स्टार्टअप लेना अपना इनोवेटिव आइडिया बस्ट करना ज़्यादा आसान होता है ठीक है अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में सौ बच्चे हैं उन सौ बच्चों में एटी परसेंट करते हैं कि जी थर्ड क्लास के बाद ना सर दुखने लग जाता है और अजीब घबराहट होती है और इतना लेजी फील होता है कि कोई लेक्चर ले रहे होते हैं ना तो समझ ही कुछ नहीं आता तो अब अ न्यूट्रिशनिस्ट की क्लास जो है आपको पता होना चाहिए कि आयरन की डेफिशिएंसी हमारी क्विनेटिव डिसेबिलिटीज़ को लीड करती है तो अब आप कुछ ऐसा अपनी क्लास लेवल पे ही क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते आप सिंपल आयरन के एंड फूड्स लो आप शादी आपको पता है खजूरें बेहतरीन आयरन का सोर्स है आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज़ ठीक है साथ आप थोड़ी कोकोनट लो थोड़ा सा कोको पाउडर लो इन सारों का एक मिक्सर बना के एक बॉल बना के एक प्यारी सी पैकिंग में जो है वो इंट्रोड्यूस करा दो और को के ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है जो कि एनरिच है आयरन में और जब ये आप खाएंगे तो ये आपको एनर्जी बूस्ट देगी और थकावट नहीं देगी तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा तो आप इनिशियल लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करें रिव्यूज़ दें लोगों से अगर उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे क्योंकि आप देखें कि अगर आप कोई वैसे चॉकलेट खाते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है थोड़ी देर बाद आप डाउन फील करने लग जाते हैं या आपको इरिटेशन होने लग जाती है क्योंकि आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एनजाइटी को लीड करती है उस तो आप अगर इस लेवल पे कोई इस तरह की प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप उधर से स्टार्ट करें फिर आप दूसरी क्लासेस को अप्रोच करें फिर आप एक बार जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है वो नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा जो हमारे पास जिसने पढ़ा वो इसी इदारे में रहता हुआ एक काबिल एंटरप्रेन्योर बन जाए और एक अपनी प्रोडक्ट का मालिक हो और एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले तो ऑब्वियसली आपके एकेडमिक लेवल पे भी आपको सब सपोर्ट करते हैं जब आपका आइडिया इनोवेटिव होता है ना एंड यू आर डूइंग अ डिफरेंट थिंग एंड यू नो दैट कि उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी तो 110 हंड्रेड टेन परसेंट देयर आर मैनी पीपल्स हु सपोर्ट यू ठीक है जैसे मैंने आपको बताया एक कंपनी में जाते हैं आप उन्हें बताएं ठीक है तो ऑटोमेटिकली उधर के एम्प्लॉज भी आपको सपोर्ट करेंगे ठीक है बट एक राइट right वे एक राइट right स्ट्रेटडी होनी चाहिए जिससे आप जो है वो चल रहे हैं आप एक प्रॉपर सिंपल ड्राफ्ट प्लान बनाएं कि जी ये मेरी टारगेट अप्रोच जो है वो लोग हैं ये बीमारी है इस बीमारी की इतनी रेशो है ये वो ऐसे लोग हैं जिधर मुझे काम करना चाहिए जिधर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही तो उधर से स्टार्ट करो आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते चीज़ें बढ़ जाएंगी और फिर जैसे मैंने आपको बताया मीडिया बड़ा हेल्प करता है आप उस लेवल पे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको मीडिया पे ले आओ तो ऑटोमेटिकली वो एक बेहतरीन बिजनेस जैसे मैंने आपको ये स्लिमिंग ड्रॉप्स अभी दिखाए और इसकी एग्जांपल दी ठीक है तो आप जो है वो एकेडमिक लेवल पे जो है वो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो जिस तरह मैंने बताया कि इंटरप्रियोरशिप एकेडमिक लेवल पे भी हो सकती है उसके अलावा जो है वो बाक़ी लास्टली पहले थोड़ी सी डिफरेंट डोमेन्स रखी थी जिसका आप लोगों को लगता है शायद जिनमें स्कोप नहीं है लेकिन उनमें बेहद हाँ स्कोप है मैंने आपको ना सिर्फ दिखाया और किसी की एग्जांपल्स नहीं दी अपनी एग्जांपल्स दी आप लोगों की तरह मैंने भी दो साल पहले चीज़ें स्टार्ट की थी और लेकिन वो चीज़ों पर जब आप कंसिस्टेंसी से चलते जाते हो सो दे श्योरली वर्क उसके बाद जो है वो क्लिनिकल साइड पर जो है वो ऑब्वियसली आप जो है वो डिफरेंट मेडिकल कैंप्स लगा के अपनी प्रोडक्ट्स जो है उधर जो है वह कर सकते हो उसके अलावा जैसे आप इंटर इंटर्नशिप्स करते हो उसके साथ आप कोई मेडिकल कैम्प करते हो उसमें आप कोई न्यूट्रिशन इनोवेशन प्रोडक्ट का छोटा सा कंपटीशन कर लो छोटा कि सब अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएं लॉन्च करें और वहाँ जो लोग आए हैं जो जिस बीमारी के उन्हें आप कहें कि ये आपने ट्राई करनी है बेशक सेल कर लो ठीक है तो आप इस लेवल पे भी जो है वो अपना अकैडमिक साइड पर होते हुए ये क्लिनिकल साइड पर और या फिर अपने क्लिनिक पे जो है वो पहले फ्री ट्रायल्स करके स्टार्टअप ले सकते हो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को जो है वो बढ़ा दो ठीक हो गया उसके बाद जो है वो लास्टली हमारे पास जो है वो आ जाता है कि ये मैंने एक छोटी सी अपनी सक्सेस मोटिवेशन स्टोरी डाली थी कि जो है वो किस तरह आप जो है वो इजीली थोड़ी सी थोड़ी सी एफर्ट होती है इनिशियल फेज पे आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं तब चीज़ें होती हैं ठीक है तो टू किक स्टार्ट टू एनीथिंग कोई भी डोमेन है उसमें किक स्टार्ट के लिए एक एंटरप्र बनने के लिए आपकी विजन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है जब तक आपको पता न आप ये कहते रहेंगे ना यार डिग्री कर रहे हैं ना कल आएगी कल को देखी जाएगी कल डिग्री ख़त्म होगी ना तो ऑब्वियसली हम कल देखेंगे क्या कहते कि क्या होएगा और फिर देखेंगे पता नहीं मार्केट में शायद तब कोई जॉब आ गई हो आप जब तक ये सोचते रहोगे ना कोई भी आपके लिए प्लेट में लेके जॉब नहीं आएगा कि ये लो जी आ जाओ ये आपके लिए जॉब है और अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं तो अब ये तो इसलिए आज की मार्केट वैल्यू के हवाले से इंटरप्रियोरशिप इज़ अ बेस्ट बिजनेस और न्यूट्रिशन इंटरप्रियोरशिप इज़ अ वेरी हॉट फील्ड नावर डेज ठीक है हर कोई चाहता है उससे मेडिकेशंस ना ही खानी पड़े उसके गुर्दे ना ही ख़राब हों ठीक है और उस हर कोई चाहता है उसे एनर्जी मिले हर कोई चाहता है वो खूबसूरत दिखे हर कोई चाहता है कि वो जो है वो फिट रहे ठीक है तो ये सारे काम जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट के हैं और इन सारी चीज़ों में द बेस्ट थिंग्स विच यू गाइज पुट दैट कि दिस इज़ अ टाइम जदर आप लोग अपनी इंटरप्रियोरशिप वाली चीज़ों को एक किक स्टार्ट दे सकते हो एक इंटरप्रियोर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए कि जी आप एक बीबीए के स्टूडेंट हो तभी आप एक बेहतर इंटरप्रियोर बन सकते हैं इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है तो आप अपनी डोमेन में रहते हुए ही यही, एक बेहतरीन इंटरप्रेयर जो है वो बन सकते हैं सो होप यू लाइक द सेशन और बाकी जो है जो सक्सेस होता है मैं आपको अपनी अब तक की जर्नी के हवाले से बताऊं तो सक्सेस एक दिन की गेम नहीं होती कि रात को सोए सुबह चीज़ स्टार्ट की चीज़ जो है वो ये सिर्फ फेंटसी वर्ड होता है जो हम अपने गिर्द गिर्द या फिर मैं ग्रेजुएट होता जाऊंगा मेरा तो 3.8 पॉइंट है मुझे तो पता आई नो दैट मुझे तो पक्का ये चीज़ मिल जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आज 2.5 पॉइंट वाले लोग भी 3.8 वालों से आगे हैं दे नो दैट हाउ टू डू स्मार्ट वर्क हाउ टू रीड द मार्केट हाउ टू इनिशिएट द थिंग्स हाउ टू किक स्टार्ट द थिंग्स और आपका सक्सेस जो है उसमें आपकी इनोवेशन आपकी प्रॉपर स्ट्रेटी मेकिंग आपका मार्केट एनालिसिस आपके आइडियाज़ आप क्या अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो क्या दूसरों के लिए क्रिएट कर सकते हो उसके अलावा आप प्रॉपर प्लानिंग टीम वर्क टू नो दैट हु इज़ योर टारगेट पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक बेहतरीन न्यूट्रिशन इंटरप्रेर बनाती हैं और या अगर कोई न्यूट्रिशन डोमेन से नहीं वैसे भी वह इंटरप्रेर बन सकते हैं तो जो है वो इन सारी चीज़ों को जब आपके अंदर एक कंपाउंड ये सारी चीज़ों का डेवलप हो जाएगा तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब आप को लोग बुलाएंगे कि आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं आके अपनी कहानी बताएं तो अपनी कहानी बनाने के लिए आपको उस कहानी में छोटे छोटे पहलू डालने पड़ते हैं जैसे छोटे बच्चों को माएँ स्टोरी सुनाती हैं रात को तो वो स्टोरी पहले खुद पढ़ती हैं जब तक उन्हें खुद को वो स्टोरी नहीं आती होगी दे कांट एक्सप्लेन टू द किड्स ठीक है सो सेम एज़ इट इज़ के आप, जब तक आप खुद अपनी फील्ड में माहिर नहीं होंगे और आप में खुद ये वाली सारी कैपिलिटीज़ तो तब तक आप एक बेहतर एंटरप्रेर नहीं बन पाएंगे सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइज दैट के मार्केट को रीड करो कल का वेट ना करो चीज़ों को आज शुरू करो अगर मंजिल पे जल्दी पहुंचना चाहते हो और अपनी मंजिल अपनी आंखों से देखा देखना चाहते हो आजकल का जी जैसा वक्त है आप लोगों को पता है मोटैलिटी रेट इतना कम तो अगर आप अपने आप को एक अच्छे वक्त और अच्छे लेवल पे एक्सपेक्ट करते हो तो अपने आप की चीज़ें जो है वो कल पे छोड़ना छोड़ो और आज से स्टार्ट करो छोटी छोटी, छोटी चीज़ों को स्टार्ट करोगे कल को वो एक बड़ी चीज़ बन जाएगी और आपका एक बड़ा नाम जो है वो डेवलप कर देगी सो so, uh, अब जो है वो एक छोटी सी वीडियो है उसके बाद द हाउस इज़ ओपन फॉर क्यूरी सेक्शन आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है किसी किस्म का कोई सवाल है का वो सवाल छोटा है या बड़ा मैं नहीं सोचूंगी कि जी ये बहुत छोटा सवाल है ये नहीं करने वाला तो आप किसी किस्म का आपका अपनी डोमेन के हवाले से सवाल है आज के टॉपिक के हवाले से इंटरप्रियोरशिप के हवाले से हाउ टू स्टार्ट तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं अच्छा मेरा सवाल है कि बच्चे आपने अभी बताया कि स्कूलों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है और मोस्टली बच्चे लेस पापड़ ये चॉकलेट यही चीज़ें यही होता है कि चलो स्कूल में भी यही चीज़ें ले जाए अब उनकी रूटीन है कि हफ्ते में कर तीन चार दिन वो कहते हैं कि ये चीज़ें लेके जाएँ क्योंकि उधर स्कूल में वो नॉन टिक्की भी है वो और भी लोग चीज़ें आती हैं तो वो देखो दूसरे बच्चे भी ये चीज़ें खा रहे हैं तो हम उनको तो काफ़ी अवेयरनेस देते हैं कि वो गंदी है वो सही नहीं है ये चीज़ें लेकिन उनके जेन में क्योंकि जो टीचर बात कहता है या उनको कोई अवेयरनेस देता है ना वो उन चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं वालदे जो बात कहते हैं तो वो बस सुनते हैं कहते हैं नहीं नहीं वो भी ठीक है वो देखो ये चीज़ें ला रहे हैं तो अब उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए दूसरी चीजों अच्छा आप, सवाल आप और किया थोड़ा सा जी भी जी, आप। हाँ जी, कह ना कि ये चीजें बनाए चॉकलेट पे लेके आए तो चॉकलेट पे ना लाएं क्योंकि फिर डेंटिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं चॉकलेट नहीं कोलेजन बार्स अच्छी चीजें जैसे खजूर है जो उस उम्र के हवाले से जरूरत है इसी तरह एक कंपनी है ग्रीन वर्ड दुनिया के अंदर ना ये अमेरिकन अमेरिकन रिसर्च तो उनका यहाँ पे भी एक ऑफिस है उधर काफी डॉक्टर्स हैं एक डॉक्टर साइमन अल्फर्ड है उनका ना कोई थर्टी सेवन ईयर एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन के ऊपर ये चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफी लिखा तो उन्होंने इस चीज पे आया कि उनकी ना एक स्पायरोना और भी टेबलेट्स है 67 अच्छा, ये जापानी यूज करती इंटरनेशनल उसके अंदर न्यूट्रिशन ये चीज़ों की मतलब सारी चीज़ों को कवर करती है हाँ उस डॉक्टर ने मेरे वाला साहब नहीं ठीक रहते मैं थोड़ी सी बता ही देता हूँ तो उसने कहा ये प्रोफेसर को दिखाते हो ये चीज़ें दिखाते हो मेरे कहने पे उसने कहा था कि ये दस पंद्रह दिन ये टैबलेट्स यूज़ कर लें तो अगर आपको फ़ायदा होगा तो ठीक है नहीं होगा तो ना तो उसका इतना रिजल्ट मिला वो आपकी वो उस डॉक्टर के एक पूरी ट्रेनिंग के दौरान उसने कहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आने वाली बीमारियों से भी आप बात सकते हैं जब उन्होंने ये चीज़ें वालदा ने यूज की और आठ दस दिन हो गए थे जो ब्रेड खानी मुश्किल थी वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो गा। है तो, तो वो फिर डॉक्टर के उसने कहा कि ये चीज़ें फिर मैंने काफ़ी अपनी फैमिली के बच्चों की चीज़ की हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बीच में बात की कि एग्जैक्टली जो देखिए कोई बीमारी है दवाइयाँ आप खाते हैं ना तो मेडिकेशन जो होती हैं वो आपकी वो जो प्रॉब्लम है ना उस जैसे दर्द की गोली है आपके पठ्ठे में दर्द हो रहा है तो हो सकता है आपके वो पट्ठे जो है वो नाड़ पे नाड़ चढ़ी हो या फिर आपके पट्ठे की स्ट्रेंथ ना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ौर पेन किलर खा लेते हैं वो पेन किलर से क्या होता है कि वो दर्द रुक जाती है वो आपको दर्द नहीं फील हो रही लेकिन आपके पठ्ठे का वो मसला वहीं का वहीं है जैसे मतलब आपको साइंटिफिकली चाहिए कि आप जो है वो लॉजिकली उसकी फिजियो कराएं उ, उसके अंदर जो भी मसला है उसके एंडोरेंस करें या जिस तरह के भी मसला तो इसी तरह अगर रूट कॉज पे जैसे वो सारी चीजें ऐसे ही हैं कि हर चीज जितने हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं वो <laughs> किसी ना किसी न्यूट्रिएंट को डाल के बनाई जाती हैं जैसे दिल की बीमारियां उसमें एच बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है ठीक है हाई डेंसिटी लिप प्रोटीन तो आप जो अद्वियात होती हैं सप्लीमेंट्स बनाएं तो वो वही चीज़ें तो आपने अभी बात की स्कूल गोइंग किड्स ये सवाल मेरे पास अक्सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के आते हैं अपने छोटे बच्चों को लेके हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें तो देखिए जब बच्चा पैदा हुआ था उसको नहीं पता था कि ये बाहर से ये बेकरी है इधर से ये स्लांटी मिलती है इधर से ये बिस्किट मिलता है और ये वाले चॉकलेट तो बड़ी मज़ेदार है ठीक है उसको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने वाले भी पेरेंट्स हैं जब उसकी वो आदत बन जाती है तब हम कहते हैं कि अब जी डॉक्टर साहब समझाएं या फिर कोई और जैसे आपने बात की कि उस्ताद को बच्चे का फर्स्ट स्कूल उसकी जो है वो घर होता है तो आप इनिशियल लेवल पे अगर छोटे किड्स हैं जैसे अब आजकल हम पेरेंटिंग है उस पर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं कि पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है यंग मॉम्स हैं हम लोग जल्दी जल्दी में कहते हैं यार बच्चे को भूख लगी फटाफट दो नगेट्स दे दो ठीक है इसका पेट तो भरे ना लेकिन आप उसको जंग की आदत डाल रहे हैं चाइल्डहुड हुड ओबेसिटी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है दोपहर के खाने का वक्त है आप उसको स्लांटी का पैकेट और जूस का डब्बा दे देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए लेकिन वो बच्चे की जब आदत बन जाती है वो बीमार हो जाता है उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो गई है तो तब हम ऑब्वियसली कंप्लेन कर रहे होते हैं तो इनिशियल लेवल पे अगर चीज़ों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और अगर प्रॉब्लम्स हो भी गई हैं तो दैट्स ओ के आप फिर उसको एक तरीके से ठीक करें आप प्रॉपर उसका अल्टरनेट दे दें अब बच्चे बच्चे है ना बच्चे की उम्र है जैसे मैं आपने बात की वो डिमांड करेगा उसको आदत है तो जिस तरह मैंने ये चॉकलेट्स कन्वर्ट करने वाली प्रोडक्ट बताई कि आप कोई एनर्जी बार बना दें कोई प्रोटीन बार बना दें बच्चों के लिए प्रोटीन आयरन एंड रिच सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो आप उसका अल्टरनेट फॉर अ सेक ऑफ फ्लेवर आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कर सकते हैं एडिटिव कि वो बच्चे को ऐसा लगे कि ये चॉकलेट है आप उस रैपिंग पेपर में डाल सकते हैं इस तरह हम कहते हैं कि बच्चों को आप खाने दें तो कलरफुल जो है वो ऑब्वियसली प्लेट में दें तो उससे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम रेस्टोरेंट में या बड़ी वो चीज़ सात दो बॉल्स तो ये स्ट्रेटडीज़ होती हैं बच्चों को इरेगुलर पैटर्न से हेल्दी पैटर्नस पर लेके आने के लिए तो मिलना हाँ एग्जैक्टली exactly. गमीज़ जो हैं वो भी आगे में हैं जेलीज़ फॉर्म में जो है हमारे पास सप्लीमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं तो एग्जैक्टली exactly वो गमीज़ वाला आइडिया बहुत अच्छा है ठीक है कुकीज़ भी आ अब जो है वो कुछ एडवांस लेवल पे जो है वो मैं देख रही थी आयरन एंड रिस्ट कुकीज़ आ गई हुई हैं फाइबर कुकीज़ डायबिटीज़ के लिए ये तो पाकिस्तान में भी बड़ी कॉमन है तो इस तरह जो है वो हमारे पास काफ़ी स्टीविया से उसे कर दिया गया है बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाई हैं कि मतलब बेकरी गुड्स हैं लेकिन वो स्टीविया उसके अंदर डाल दिया गया है ताकि वो नुकसान ना दें इंसुलिन रेजिस्टेंस ना करें और एनी बडी एनी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा एक सवाल है एंटरप्रिनरशिप के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है और दूसरा सवाल है कि इंटरप्रनोरशिप में यू एस पी से क्या, मुराद है? क्या, क्या होती है इंटरप्रोरशिप uh, जो है उसमें जो हमारे पास मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं उसमें इनोवेटिव आइडिया ठीक है पेशेंस एंड फेथफुल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब तक आप डावाडोल रहते हैं ना तब तक आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते कि शायद ये चल पड़े वो शायद वाले लोग इस तरह करते हैं जो आपने फॉरन बस्ट छोड़ दिया कि अभी इधर बैठे बैठे जी ये मेरी प्रोडक्ट है इधर ये ऐसे ही होनी चाहिए आप उस पर रिसर्च करें प्रॉपर आपका इनोवेटिव आइडिया इफ इट वर्क्स ठीक है उसकी प्रॉपर उस आइडिया की एक स्ट्रेंथ है तो जो है वो आप उस पर काम करें जब उस आइडिए की प्रॉपर स्ट्रेंथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो बाकी बार बार मैंने एक चीज़ बोली यहाँ बींग अ गुड इंटरप्र इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप उस चीज़ पर रिसर्च करें अपनी अपनी डोमेन में जब सारे इंटरप्रियोर बनेंगे तो वो इंटरप्रियोरशिप अफेक्टिव भी होगी और वो हमारी मार्केट को भी बेहतर करेगी हमारी इकोनॉमी को भी अब इधर कोई जन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जनरल बिजनेसमैन मैन हैं दे डोंट नो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन बट दे स्टार्ट अ न्यूट्रिशन बिजनेस वो ऑब्वियसली चीज़ उस तरह काम नहीं करेगी इस तरह बहुत सारी बिजनेस की ऐसी चीज़ें हैं अब मैं इधर उठ के या हम हम में से कोई नहीं रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू कर दे तो ऑब्वियसली तो हर डिमांड की भी इंटरप्रनोरशिप में थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन आ जाती है बाकी ऑब्वियसली इनोवेटिव आइडिया कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन मार्केट वैल्यू प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इस साइड्स आप कोई सवाल करते हैं बहुत खुशी हुई है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है एंट्रप्रनरशिप पे भी बल्कि 40 साल पहले मैंने भी यही काम शुरू किया था लेकिन वो डिफरेंट फील्ड था okay. और मैंने वो मेरा ख़्याल में पैंतीस रुपए से शुरू किया था और लाखों में पहुंच गया था माशाल्लाह। तो ये है कि मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो फूड है वो इस तरह होती है कि उसको कुकिंग बहुत ज़्यादा करते जबकि यूरोप अमेरिका मैंने देखा है वो वो फूड उनकी बॉयल्ड या इस तरह की ज़्यादा कुकिंग नहीं करते उनको वो तलते नहीं ज़्यादा ये नहीं करते तो उससे क्या वाइटामस डैमेज होते हैं हमारे फूड के एक तो ये थोड़ा सा दूसरा ये था आपने तीन डायबिटीज़ की बात की हम मैंने तो दो, दो ही पढ़ी है थोड़ा सा उस पर बात कर लें और थोड़ी सी उसके लिए फूड के लिए थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे लिए बेहतर होगा जी जी ज़रूर अच्छा आपने बात की कि जो कुकिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डैमेज कर देती है एक प्रहार जो चीज़ है ना एक फ्रीजिंग टेम्परेचर है एक कुकिंग टेम्परेचर है ठीक है अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो ख़ास तौर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बी सिक्स बी नाइन बी ट्वेल्व जो वाइटामिन सी ये ये बहुत सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स इन्हें हम कहते हैं और उसके अलावा हम इन्हें कहते हैं ये वाटर सॉलिबल न्यूट्रिएंट्स हैं अब क्या होता है कि ये जो हीट है जब इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा हीट मिलती है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है हम खाने भून भून के पकाते हैं एक सब्ज़ी है वो पक गई है लेकिन उसको फिर भी भून भून के और भून तो उससे क्या होता है कि उसका न्यूट्रिय लॉस हो जाता है ठीक है तो आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक अगर चीज़ को स्टीम करते हैं ठीक है तो वो चीज़ ठीक रहती है अब कुछ फूड ग्रुप्स हैं जैसे हमारे पास दूध है उसके जैसे तीन अगर आप उसको तीन उबाले दे देते हैं ठीक है जनरल स्ट्रेचडी तो उससे उसके अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं आपका पेट ख़राब है जैसे मूनसून है इस, इस तरह उसके बाद मीट है उसका भी एक प्रॉपर टेम्परेचर है उसको जैसे आपको तकरीबन जो है वो 20 मिनट पकाना चाहिए लेकिन जो रॉ वेजीज़ हैं जितनी हमारे पास उनको आप कोशिश करें दो से तीन मिनट जो है वो सिर्फ़ स्लाइटली कुक करें और उसके बाद इस्तेमाल बाकी जब हम ज़्यादा कुक करते हैं हम ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट भी डिस्टर्ब होता है जिसम के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कैंसर जैसी बीमारियाँ भी आम होती हैं तो आप जो है वो कुकिंग जो है उसकी स्ट्रेचडी बाकी आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है यू में द लॉन्ग डिटिविटी डाइट्स ठीक है जो लोग काम करें कि आजकल कर जैसे लोगों की उम्र बहुत कम हो चुकी है तो इस तरह का एक डाइट लॉन्च हुई है जिसके अंदर स्पेसिफिकली वो न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं कि लोगों की उम्र किस तरह बढ़ाई जा सकती है पहले दौरों में तो लोगों की उम्र नब्बे सौ एक सौ बीस ऐसे ऐसे हमने अपने भड़ों के देखी हुई हैं लेकिन अब फोर्टी प्लस ये हम लोगों का लाइफ है कुकिंग मैथड्स हैं उसके अलावा कॉन्टिन्यूसली इेगुलर ईटिंग ठीक है अब जब लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर एक प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है क्या होएगा खाते तो सुबह भी हैं दोपहर भी हैं शाम भी हैं लेकिन जब आपका डाइट प्लान ठीक नहीं होता आपकी तीन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं सबसे पहले आपका टाइम ठीक है जब ठीक वक्त गट हेल्थ है ना उसको दो घंटे बाद एक स्नैक चाहिए खाना चार घंटे के बाद मेजर मील चाहिए लेकिन उससे पहले देना शुरू कर देंगे ना तो गट हेल्थ को अपने आप पे प्रेशर फील होने लग जाएगा जल्दी में वो खाना जाएगा कई बार हमारी आंतरों के साथ विलाज होते हैं उनको डैमेज कर जिससे स्टमिक की बीमारियाँ मुख्तु प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकती है लेकिन उसके बाद दूसरे तौर पे फूड की क्वालिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब हमें भूख लगी होती है हम ये नहीं सोचते क्या खा रहे हैं अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी फिर हमें होता है यार हम सिर्फ हमारा गोल होता है टू तो सेटिस्फाई आर हंगर सिर्फ पेट भर जाए दाँत सेट उसके बाद क्वालिटी का लेकिन जब आपका प्रॉपर डाइट प्लान होता है तो आप अपनी फूड की क्वालिटी को भी बेहतर रखते हो आपको पता है ये मेरा सुबह का वक्त है नाश्ते में मैंने पराठा और ऑमलेट लेना है दोपहर में मैंने एक फल लेना है उस तरह आपकी जिसम के सर्विंग साइज़ और आपके अंदर डेफिशेंसीज़ का चांस जो है वो बड़ा कम और बाकी जैसे टम्परेचर वो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑब्वियसली कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स लॉस होते ही हैं और दूसरा आपने सवाल किया कि प्री डायबिटीज़ के हवाले से क्या होनी चाहिए देखिए प्री डायबिटीज़ में मेन मसला ये आ रहा होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अभी कुछ अरसे से रेज होना बढ़ता है तो इसका ये मतलब है एक तो आपकी कार्ब्स इंटेक ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होती हैं रोटी चावल ये वाली सारी चीज़ें इनका जो है वो ज़्यादा है तो एक तो आप कोशिश करें हर वो चीज़ जो सफ़ेद मैदे से बनी है ठीक है ये सफ़ेद रोटी सफ़ेद ब्रेड पिज़्ज़ा पास्ता नूडल्स हर चीज़ जो सफ़ेद आटे की इवन के बेकरी के बिस्किट्स भी जो सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि वो रेजिस्टेंस करती है वो आपकी शुगर बढ़ाती रहेगी बढ़ाती रहेगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको एक थोड़े से बाद शुगर दूसरा वॉक एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आ जाती है थर्डली एक बड़ी अच्छी सी आसान सी स्ट्रैचडी है आपने क्या करना है अगर आप प्री डायबिटीज़ या डायबेटिक भी हैं तो खाली पेट आप कोई भी आपने अपना डायरेक्ट जो स्टार्ट ऑफ द डे है वो डायरेक्ट नाश्ते से नहीं करना जब आप डायरेक्ट नाश्ता खाते हैं तो नाश्ते में हमारे अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं ये मतलब रोटी ही खा रहे होते हैं मोस्टली लोग ब्रेड रोटी तो जब आप डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपकी शुगर बढ़ जाती है तो उसके बाद आपने फिर दोपहर का स्नैक खाया जो भी चीज़ खाई पूरा दिन शुगर बढ़ती रहेगी और वो फिर वो ये वाली अलामत रहती है हम खाते कुछ नहीं लेकिन फिर भी शुगर जो है वो अनकंट्रोल रहती है तो आप जो है वो खाली पेट जब किसी फाइबर वाली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जैसे मोरिंगा पाउडर पानी में डाल लें इस बगोल का छिलका लें ग्यारह बादाम की गिरियाँ डाल लें एक सेब डाल खा लें चिया सीड्स पानी में डाल के ले लें कोई भी फाइबर का सोर्स तो फाइबर जो है वो सुबह उठते सार जब आपकी, जब आपकी हम उठते हैं हमारी शुगर नॉर्मल होती है प्री डायबिटीज में तो वो क्या करता है आपकी वो शुगर लेवल को वो जो प्री डायबिटीज की कंडीशन में थोड़ी सी बढ़ी है उसको नीचे ले आता है तो जब वो शुगर नीचे आ जाती है तो फिर उसके बाद आप नाश्ता करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पे आ जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुगर पूरा दिन आप कुछ भी खाएं तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होती जी मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है जी जी आजकल जो हमारी जनरेशन है स्पेशली हम भी उसमें आते हैं हाँ। वो अर्ली एज में किसी न किसी बीमारी जो उनको जकड़ लेती है पिछले अगर हम दो दौर में देखें हमारे जो आबा वजाद थे वो जाके अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जाके वो बीमारियां होती थी तो क्या इनका ताल्लुक आजकल देखें 22 साल 23 साल के लड़के उनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ये वो तो क्या इनका ताल्लुक हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से है जहाँ नेचुरल जो न्यूट्रिशन है उनसे हम दूर होते गए और उसके अलावा जो आजकल कल जो हैं प्रोडक्ट्स जो फ़र्टिलाइजर स्पेशली यूज़ हो रहा है छः महीने में जो है ना दो महीने की छः महीने की जो है प्रोडक्ट वो दो महीने में फसल हमें तैयार मिलती है तो क्या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं बिल्कुल आज सबसे मेजर कॉज सिर्फ ख़ुराक नहीं लाइफ भी ठीक है मुकम्मल लाइफ स्टाइल में हमारी स्लीप साइकिल भी आ जाता है हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल भी आ जाता है उसके बाद जो है वो हमारे स्ट्रेस एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और फिर जब खुराक भी ठीक नहीं होगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि सारा कुछ ही ख़राब है तो ऑटोमेटिकली डिजीज़ जल्दी अटैक करती है तो एक तो डाइट ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा आजकल प्रॉब्लम सुनने को मिलता है जी मार्केट में कुछ ठीक खाने को है नहीं और गैनिक चीज़ें जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है तो यही एंटरप्रीअरशिप के हवाले से था कि आप जैसे लॉन्गटिविटी ऑफ लाइफ जो है इस इस हवाले से जो है वो आप ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ऐसी डाइट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो लॉन्ग ऑफ डाइट में उसके बाद डिजीज़ से ज़्यादा अब हमारे मुल्क में जैसे आपने प्रॉब्लम बताई प्रेवलेंस पे काम करने की ज़रूरत है ठीक है आप एहतियात इलाज से बेहतर है ठीक है तो जब लोगों को एहतियाती तदाबीर पता ही नहीं होगी तो फिर हम लोग बीमारियों पे तो बोल रहे हैं जी डायबिटीज़ में ये हो गया ब्लड प्रेशर में ये तो स में बात करें कि बेहतर है अगर हम अपना लाइफ स्टाइल में ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हम बासानी बीमारी से जो है वो बच सकेंगे अलैक अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम कहते हैं ना कि हमारी एक फिजिकल हेल्थ है और एक मेंटल हेल्थ है फिजिकल हाँ हेल्थ की तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन बेहतर होगी तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो जो इस, मेंटल हेल्थ में सबसे पहले तो स्ट्रेस मुझे छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं हमें बड़ा स्ट्रेस है हमें डिप्रेशन है तो मैंने फिर उनसे पूछती हूँ आपको पता है डिप्रेशन है क्या डिप्रेशन तो ये होता है कि आप इस कदर डिप्रेस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं और आप चाहते हैं कि हम खुद खुशी कर लें ये डिप्रेशन है तो आपको क्या सुसाइडल थॉट्स या इस तरह की कोई अलामत आती कहते नहीं पर फिर भी हमें डिप्रेशन है हमारा किसी से बात करें तो देखें हम लोगों ने स्ट्रेस डिप्रेशन इन्जाइटी ने बड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया ठीक है पढ़ाई का स्ट्रेस होना कुछ और चीज़ है वो होना भी चाहिए आजकल अगर स्ट्रेस ना हो तो बच्चे तो पढ़े ही ना तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड लेकिन हर टाइम जो कॉन्टीन्यूसली जो स्ट्रेस होता है वो ऑब्वियसली डेंजरस होता है ठीक है और मेंटल हेल्थ के लिए फूड्स बिल्कुल अब ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं डीप फ्राइड चीज़ें वाइट फ्लोर गुड्स हमारी खुराक के अंदर ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स का ना होना ये बिल्कुल हमें, हमें mentally जो है वो करती है।, है वो करती उसके बाद ग्लूकोस एक है वो अगर दिमाग को नहीं मिलेगा तो बिल्कुल हमारे अंदर ये हमारा जो ब्रेन है सिर्फ ये ग्लूकोस से ही फूड लेता है जी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोस है तो कार्बोहाइड्रेट ये दूसरे जो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हम एनर्जी लिपिड्स या प्रोटींस हैं तो ये भी आखिर पे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते नहीं 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 प्रोटींस कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं जी हाँ जी और इंटरप्रीनियरशिप के हवाले से कोई किसी का सवाल हो इससे पहले कि सेशन खत्म हो जाए तो किसी के दिमाग में कोई है तो पूछ ले तो ऑर्गेनिक तो हाँ, प्रोडक्ट जी हमें अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी हाँ जी अप्रूवल आ, तो कौन सी मेडिकल आ, वेट लॉस different... के जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ड्राप अप्रूवल लेना पड़ता है अच्छा ठीक है उसके बाद पाकिस्तान में आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हलाल फूड अप्रूवल्स होते हैं वो क्योंकि जो है वो आपको लेने पड़ते हैं उसके अलावा जो है वो डिफरेंट फूड अथॉरिटी सर्टिफिकेशन हैं आप वो भी ले अब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस लेवल पे है या आप किस इनिशियल बेस पे तो आप फूड अथॉरिटी से अप्रूवल करा लेते हैं उनका एक एफ इस तरह का को कोई होता है तो वो करा लेते हैं तो उससे ही है अच्छा मैं आज का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर है और जॉब कर रहा है साथ एम अच्छा, एस इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी कर रहा है अच्छा। तो उसकी मामा ने लंच बनाया और बकाया बड़ी मेहनत से तो उसने नहीं लेके गया हूँ साथ तो उसको आदत पड़ी हुई बचपन से भी जंक फूड पिज़्ज़ा खाना ये खाना वो खाना तो मैंने तब तो बच्चे बड़ी शर्म महसूस करते हैं जी हाँ, लंच बॉक्स या कोई पराठा खा रहा हो छोटे छोटे बच्चे आ, उसी से बड़े होके तो वो आते नहीं जाते इतनी जल्दी पर देखिए आदतों पे काम करें थोड़ा 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 देखिए 100 फीसद चीज कम नहीं हो सकती ना 80 फीसद भी चीज कम हो जाती है तो बेहतरी की तरफ तो बीस जा रही है ना तो फिर आहिस्ता 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 जो है वो बाकी तरीका होता है आप काउंसलिंग के कई तरीके होते हैं आप सिचुएशन के अब आप, आप मैं इधर किसी को हम कह रहे होते हैं जी स्मोकिंग क्विट करें ऐसे आप किसी को कह देंगे वो कभी भी आप उसको कहें आप दस हैं आप दो पे आ जाएं आप तीन पे आ जाएं आहिस्त आहिस्ता 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 फिर वो चेंज परमानेंट होता है